रायबरेली में 9-10 अक्टूबर 2019 की रात महराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी रवि सिंह चौहान की सोनू ढाबा पर रेस्टोरेंट के मालिक व अन्य लोगों के द्वारा निर्मम हत्या कर शव को एक्सीडेंट का रूप देने के उद्देश्य से मई मोटरसाइकिल के साथ कड़ी के पास रोड पर ही फेंक देने के मामले में आरोपित सोनू ढाबा संचालक सुरेश यादव सहित ढाबे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी तथा ढाबा बंद कराए जाने को लेकर 11 अक्टूबर को हजारों की संख्या में लोगों ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा और एसपी स्वप्निल मंगेन से मौजूद लोगों के जनसैलाब ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सोनू ढाबा को तत्काल बंद कराने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने पीड़ित परिवार तथा उपस्थित जनसमूह को आश्वस्त करते हुए कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और तुरंत सोनू ढाबा बंद कराया जाएगा। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह पूरी रिपोर्ट। सोशल मीडिया का जमाना है तो अरे जनता के लिए ढाबे के अंदर टूटा पीट के उसको रात में एक्सीडेंट का एक दिखाया। एक्सीडेंट में जो भी गाड़ी से वो यहाँ घर से गया था साइन गाड़ी थी और साइन गाड़ी वो वहाँ वो नहीं लेके गया था तो उसके साथ एक्सीडेंट में जो गाड़ी थी वो एक बुलेट थी लखनऊ का नंबर उसमें था उसकी गाड़ी भी नहीं थी और उसके शरीर में उसकी गाड़ी में भी जो एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी में आगे के होता है पीछे से होता है उसमें भी कहीं पर भी गाड़ी ये नहीं लग रही है कि एक्सीडेंट हुआ पीछे से उसमें गाड़ी में पीछे से धक्का मारा गया। मारने के बाद उसकी लाश को उठा के फेंका गया खून वहाँ पे गिराया गया लाश उठा के खंडे में फेंकी गई खून साइकिल खंडे में फेंकी गई ये नाटक ड्रामा किया गया जबकि उसकी हत्या सोनू ढाबा के अंदर इन तीनों व्यक्तियों ने सुरेश यादव के लड़के ने और उनका कोई भतीजा है या भांजा है कोई है उसका नाम हम ये तीन लोगों द्वारा दौड़ा दौड़ा के जो हमारी जानकारी में बात आई है तीनों लोगों ने दौड़ा दौड़ा के उसको मारा पीटा और साथ छिपाने के लिए जो है उन लोगों ने जाके वहाँ हमारे नाती को हमारे गांव के तीन लड़के जो कि हमारे नाती के दोस्त थे रात में सोमू ढाबा पर आकर के फोन करके बुलाया। वो खा पी करके लेट चुका था उसके बाद उसको बुलाया गया तो उसने मना किया तो इधर से जवाब जाता है कि हम लोग यार उतनी दूर से आ गए हैं तुम यहाँ तो 5 किलोमीटर नहीं आ सकते। वो कपड़े पहना और अपने फूफा की साइन गाड़ी को ले करके जो है वहाँ से सोमू ढाबा पे आया। वहाँ अंदर जाने के बाद जो है ये चश्मदीद गवाह यही तीनों लड़के हैं इनकी जुबानी हमें ये मालूम हुआ कि पहले शराब पिया गया और हमारे बच्चे को भी पिलाई गई शराब। उसके बाद जब खाना मांगा गया तो वेटर ने इनकार किया। इस पर हमारे नाती ने कहा क्यों खाना नहीं दोगे। इस पर जो कहा कि हम तुमको खाना नहीं मिलेगा कहा सुनी हुई और वो लोग जिनको कि अभी बच्चे ने हमारे बताया वो लोग जो है पकड़ के उसको घसीट ले गए और ढाबे के अंदर
सरिया, कलछुला, ईटा, गुम्मा बुरी तरह से जो है सर तोड़ा गया, आंख फोड़ी गई उसकी। इन्हें इतनी निर्मम हत्या हमारे नाती की गई, जैसे कोई अनाथ कोई जानवर को हलाल करता है उस तरह हलाल करके मेरे नाती को सोमू ढाबा वालों ने मरवाया। आगे जितना हमारे पास कोई जानकारी नहीं। कप्तान साहब ने क्या बताया आपसे? कप्तान साहब ने मुझको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि आपके साथ न्याय होगा, आप बिल्कुल शांत रहें, धैर्य को बनाए रखें। कप्तान साहब ने भी कहा, हमारी डीएम साहिबा ने भी यही कहा, कोई कितना भी ताकतवर हो तो आपके साथ न्याय होगा, ताकत के सामने प्रशासन नहीं झुकेगा। पूरा विश्वास कप्तान साहब और डीएम साहब ने हमको